हेलो दोस्तों, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और हाँ यहाँ पे जी, देख पा रहे हैं माला जो है कुछ अपना घर का काम काज कर रही है, उसमें व्यस्त है माला। उसमें व्यस्त है। और यहाँ पे देखिए कड़कदार तड़कदार भड़कदार मसाला पका रही है। और इसमें क्या जाएगा तो आपको दिखाऊंगा क्या स्पेशल आज हमारे घर में बनने वाला है। तो जो भी दोस्त यहाँ पे पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज आप सब से गुजारिश है कि वीडियो के लास्ट समय तक जरूर बने रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार सपोर्ट जरूर दीजिएगा। तो अब जो है दोस्तों हमारे घर में तो जो चीज़ बनना था भात दाल बन चुका है, और उसके साथ में स्पेशल सब्जी क्या बनने वाली है वो माला ही आपको दिखाएगी। तो दिखाओ जी क्या आज हमारे घर में स्पेशल सब्जी बनने वाली है। नहीं नहीं नहीं, आप लोग आंख बंद कीजिए, शर्म लग जाएगा। दिखा दो फ्रेंड्स को। तो ये देखिए दोस्तों, आज हमारे घर में बनने वाली है बैंगन का मसालेदार फ्राई। तो अब देखिए इसका चाकू भी गुम हो गया। ऐसा तो ये है भंसिया, खाना बनाते बनाते चाकू भी गुम हो जाती है। लगता है मशीन पे रह गया है। मशीन पे क्यों छोड़ के आए चाकू को? तो देखिए चाकू को ले जाकर वहां पे मशीन पे रख के आई थी। तो गाइज आप लोग भी आमंत्रित है खाने के लिए, आइए आज हमारे घर में दाल भात और बैंगन का मसालेदार फ्राई जो बन रहा है उसको खाने के लिए। तो आज जो है दोस्तों महाराष्ट्र में कुछ ठंडी कम है, इसके वजह से आप देख पा रहे हैं मैं अभी जस्ट नहाया हूँ और फ्रेश होकर माला यहाँ पे खाना बना रही थी। तो हम सोचे कि चलो ब्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करना बहुत ही हमें अच्छा लगता है और आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, कॉमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। तो इस तरह से अपना प्यार सपोर्ट बनाइए रखिएगा। तुम भी बोलो कुछ जी, खाली हम ही बकबकाएंगे। बोल रहे हैं ना, हम तो चीरने में लगे हैं ना। यहाँ पे देखिए इसका जो है बैंगन का मसालेदार फ्राई किस तरीके से बना रही है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है दोस्तों इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए मसाला जो फ्राई हो रहा है ना उसका ये आ रहा है, मुझे झांस आ रहा है। और ये जो बैगन है दोस्तों जल्दी महाराष्ट्र में मिलता नहीं है, कभी कभी ऐसे मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिलता है। और सॉरी दाल नहीं, आज हमारे घर में बना है बत्तू का साग। रात में हम बत्तू का साग लाए थे तो दाल के साथ बनाए, क्योंकि एक ही मुट्ठी मिला था। तो दाल यहाँ पे आपको दिखा देती है माला किस तरीके से बनाए, दिखा दो जी फ्रेंड्स को। तो ये देखिए दाल के साथ बना हमारा घर में बत्तू का साग और दाल। तो हम तो ये आप पालक का जो है ना, पालक तो का जो घटरा खाते हैं ना उस टाइप बनाए। तो हम तो इस तरीके से पहली बार खा रहे हैं, क्योंकि दाल के साथ हम बत्तू का साग कभी खाए नहीं थे। और बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों, कल हमने आज सुबह में एक वीडियो भी लगाया है, कल जो है माला का ATM कार्ड और चेकबुक दोनों चीज अवेलेबल हो गया है। तो बहुत मतलब हम लोग इंतजार में थे कि कब आएगा नहीं आएगा, लेकिन आ गया। आप लोग का प्यार सपोर्ट वजह से, भगवान की कृपा से हमने जो भी मतलब अकाउंट खुलवाया था माला का वो सारा कुछ हमें मिल गया है। उस वीडियो का आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और आई बटन दोनों जगह हम दे देंगे, जाके जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो उस वीडियो में थोड़ा हम लोग मस्ती मजाक की, आपको मालूम है कि हमारा जो हर वीडियो रहता है वो थोड़ा सा मस्ती मजाक वाला ही रहता है। तो इसके लिए कोई नहीं, आप लोग इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा तो और भी हम अच्छा अच्छा मस्ती मजाक वाला वीडियो लाते रहेंगे, ताकि आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट बने रहे। क्योंकि फ्रेंड्स हंस खेल के ही दिन काटना रहता है, रो के भी काट सकते हैं आप, लेकिन हंस के भी काट सकते हैं। तो हम लोग जो परेशानी झेलते हुए हंस के ही दिन काटते हैं। कितना भी क्या रहता है ना, आप आपकी जीवन है, आप किस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग का ऐसा मानना है कि जितना मतलब हंसते खेलते अपने जीवन को बिताए उतना अच्छा रहता है। दुख में भी अगर थोड़ा सा हंस खेल के सुख का महसूस हो जाए तो कुछ बात ही अलग रहती है, है कि नहीं जी। यहाँ पे देखिए एकदम पूरा तड़क भड़क के साथ मसाला इसका हो चुका है रेडी। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको जरूर इस बैगन का तरवा को देखने के बाद मुंह में आपको भी जरूर पानी आ जाएगा। तो आप देखिए किस तरीके से माला जो आज मसालादार बैगन में मसाला भर रही है। और इस वाले बैगन, ये वाला बैगन जो है ना दोस्तों हम लोग के गांव में बहुत होता है, बहुत होता है। और यहाँ पे यही बैगन होता है, इसमें हरा कलर का भी होता है, सफ़ेद कलर का होता है, ये है नीला और काला कलर में। तो यहाँ के जो लोग हैं इस बैगन को अधिकतर शायद हमें लगता है नहीं खाते हैं, यहाँ पे जो है वो गोल वाला बैगन रहता है ना कांटा वाला, वहाँ यहाँ पे वो पसंद करते हैं। लेकिन हम लोग को नहीं, हम लोग को वो भी खाते हैं ये भी खाते हैं, लेकिन पसंद नहीं आते वो। हाँ, इसमें जो टेस्ट लगता है ना वो उस बैगन में नहीं लगता है। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। हाँ। उसमें थोड़ा तेल भी डालो, उसे सूखे बना रही है। देखिए दोस्तों उसमें तेल कुछ डाली है नहीं, वैसे ही बैगन को डाल दिया कढ़ाई में। पहले बैगन को रख देते ना इसमें। अच्छा, उसके बाद डालेंगे ना।
इसलिए। और आज तो सुबह सुबह एकदम पूरा धूप निकल चुका है, यहाँ पे ठंडी तो बिल्कुल नहीं है। सुबह 7 बजे तक ठंडी थी और अभी तो बिल्कुल ठंड नहीं है। यहाँ पे ये करते तो बोलते भैया हमारे इधर तो बहुत ठंड है, तो कोई नहीं गाइस, क्लाइमेट के अनुसार जगह जगह का भी होता है। हमारे बिहार में भी बहुत ठंड है, लेकिन हम लोग अभी महाराष्ट्र में है तो इसी वजह से ठंडी का यहाँ पे कम महसूस होता है ना। फिर हम भी बोलेंगे ओ बहुत ठंड है, गाँव में जाएंगे तो है ना जी। हाँ जरूर गांव में जाएंगे तो गांव का वीडियो को तो आप लोग के साथ शेयर करूंगा, है ना। फिर देखिएगा हमारे गांव में कैसा वातावरण रहता है। वहां पे जाने के बाद फिर भी आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो वहां पे देखने को मिलेगी, क्योंकि तो यहां पे क्या रहता है दोस्तों, किधर आपको पहले भी एक वीडियो हमने बताया कि किधर घूमने को जाने का मतलब ये नहीं रहता है। और गाँव में तो क्या है, किधर भी जाके घूम के अपना ब्लॉग बनाओ, मस्ती करो, कुछ अपना ये है तो अपने तरीके से हम लोग वहाँ पे वीडियो बनाएंगे। तो बेसब्री से हाँ बना लो ना, रात में भी रात में भी यही हो जाएगी ना, रोटी बना लेना और इसी मतलब तरवा के साथ हम लोग खा लेंगे। इसको हम लोग अपने गांव में दोस्तों तरवा बोलते हैं, बैगन का तरवा, कोई कोई भरवा 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 बैगन भी बोलते हैं हम लोग, तरवा बोलते हैं हम लोग अक्सर, तरवा ही बोलते गांव में। रात की तैयारी अभी कर लेती है ताकि परेशानी से बचना पड़े, और आने के बाद फिर डांस क्लास से आएगी, खाली रोटी बनाएगी और रोटी बैगन का तरवा फिर रात में हो जाएगा। सब्जी बनाने कुछ जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से माला जो है ना कढ़ाई में बैगन को, और घूंघट के साथ हमने वीडियो बनाया है फ्रेंड्स, रिक्वेस्टेड वीडियो माला की दुनिया पे है, जो इसी लाइव में आके बोले थे कि भाई रिक्वेस्टेड वीडियो बनाइए, तो वो रिक्वेस्टेड वीडियो हमने माला की दुनिया पे अपलोड किया है, तो जरूर जाके देखिएगा किसका रिक्वेस्ट है और किसका रिक्वेस्ट हमने पूरा किया है ना जी। हाँ उसमें पूरा घूंघट लेके माला जो घर का रूटीन रहती है ना वो दिखाई है, तो प्लीज आप लोग माला की दुनिया में जाके जरूर देख लीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। चैनल पे नए जा रहे हैं फ्रेंड्स तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ में इस चैनल के साथ साथ उस चैनल को भी आप लोग देखते रहिए। दोनों चैनल पे हम लोग हर रोज वीडियो डालने की कोशिश कर रहे हैं। बोल मम्मी बुला रहे। तो गाइस ये तो अभी इनका जो है मसालेदार फ्राई बनने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो आपको हमने दिखाया जो आज हमारे घर में क्या खाना पका रही माला। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ एंड, आशा और उम्मीद है कि आप अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर देंगे और इस तरह से हमारे वीडियो को लाइक करके प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर करें। मिलता हूँ दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, आने के लिए मत भूलिएगा, हम बना रहे आप लोग के लिए तरवा।